The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Forensic Classes by Diksha and make your NET Forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फॉरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा application download aap kar sakte hain. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application: video lecture course and study material course. So video lecture course mein aapko sari ki sari cheeze milti hai: video lectures, PDF study material, mock test, PVRs, your question paper, everything. Study material course mein aapko sirf aur sirf study material, previous year question papers aur mock test milte hain. Video lectures usme included nahi hote hain. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. राइट टू फ्रीडम नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम. और ये किसके अंदर कवर होता है? 19th सेक्शन से 22 जो सेक्शन है उसके अंदर पे फ्रीडम ऑफ सॉरी राइट टू फ्रीडम कवर करते हैं हम. ठीक है, क्या कवर करते हैं? राइट टू फ्रीडम हम कवर करते हैं. Freedom is one of the most important ideas. Yes, of course. हम छोटे बच्चे हैं तो भी हमें freedom चाहिए. सबको freedom चाहिए, इस पूरी दुनिया में सबको ही freedom चाहिए. और इसीलिए एक बहुत important fundamental rights है, basic human right है, कि आपके पास आपके हिस्से की आज़ादी होनी चाहिए. Freedom is one of the most important ideas cherished by any democratic society. तो कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी अगर आपको फंडामेंटल राइट्स देती है तो ये बिल्कुल आइडियल है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम टू सिटीजन्स. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी देती है कि आप सारे सिटीजन्स को ये गारंटी देती है कि आप सभी को क्या मिलेगी? फ्रीडम मिलके ही रहेगी. आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यू कि आप आज़ाद हैं. अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप आज़ाद हैं. द फ्रीडम राइट इंक्लूड्स मैनी सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो ये जो फ्रीडम है वो बहुत सारी चीज़ों में इंक्लूड करती है. द फ्रीडम राइट इंक्लूड्स मैनी अदर फ्रीडम वाला राइट्स. तो कौन कौन से हैं वो राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच कि आप फ्रीडम के साथ बोल सकते हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि आप एक्सप्रेस करते हैं. फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं बट आपके पास कोई आर्म्स नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई औजार नहीं होना चाहिए. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप एसोसिएशन का क्रिएशन कर सकते हैं. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं तो मुझे डॉक्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं किसी भी प्रोफेशन में जा सकती हूँ, मैं कुछ भी बन सकती हूँ, ये मेरी फ्रीडम है. द फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. तो आप यहाँ के नागरिक हैं तो इस देश के किसी भी कोने पर जाके आप रह सकते हैं. आपको एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए आपको कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये आपकी फ्रीडम है, ये आपकी आज़ादी है कि आप इस पूरे देश के किसी भी कोने में जाके जॉब कर सकते हैं, रह सकते हैं और वहाँ सेटल हो सकते हैं. तो ये आपका फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर आएगा. तो ये सारे जो छोटे छोटे फ्रीडम है ये हम एक एक करके पढ़ते हैं. तो जो आर्टिकल 19 है वो 6 फ्रीडम्स देती है आपको. आर्टिकल 19 कितने फ्रीडम्स देती है? हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स भी 6 और ये आपको 6 फ्रीडम देती है. कितनी फ्रीडम दे रही है? 6 फ्रीडम दे रही है आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप क्या करेंगे कि आप बोल सकते हैं अपनी फ्रीली, एक्सप्रेस कर सकते हैं आप क्या फील करते हैं. द स्टेट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू एवरी पर्सन ऑफ इंडिया. इस देश के सभी लोगों के पास खुल के बोलने की और एक्सप्रेस अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिली हुई है. हाउएवर
द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट स्टेट कई बार रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच में एंड एक्सप्रेशन में इन इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी. अगर हमारे देश की इंटीग्रिटी पे बात आ जाती है, अगर स्पीच ऑफ फ्रीडम और जो एक्सप्रेशन है वो तभी इम्पोज किए जाते हैं जब बात हो रही है हमारे देश की इंटीग्रिटी की, हमारे देश की सिक्योरिटी की, सवर्निटी की एंड कंट्री के फ्रेंडली रिलेशन किसी अदर फॉरेन नेशन से, और या फिर वो कोई पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है. तो इन सारी चीज़ों में आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो आपके पास फ्रीडम है वो आपसे लिया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू डिफेमेशन, इंसाइटमेंट एंड टू ऑफर ऑफेंस एंड कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. तो अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है, आप कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कर रहे हैं, डिफेमेशन कर रहे हैं, इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस हो रहा है, तो इस केसेस में आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है वो आपसे लिया जा सकता है. फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू असेंबल हमारी नेक्स्ट फ्रीडम है कि आप किसी भी एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं. द स्टेट गारंटीज एवरी पर्सन द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म. बस आपके पास कोई गन्स नहीं होने चाहिए, आपके पास कोई औजार नहीं होने चाहिए, फिर आप आराम से फ्री हैं कि आप ग्रुप बना सकते हैं, आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, आप पीसफुली इकट्ठे हो सकते हैं. चाहे आप किसी शादी के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, चाहे आप किसी फंक्शन के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, किसी दुख के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो आप असेंबल हो सकते हैं. आपके पास ये आज़ादी है कि आप असेंबली कर सकते हैं, आप असेंबल हो सकते हैं, पर आपके पास कोई आर्म्स नहीं होने चाहिए, आपके पास कोई औजार नहीं होने चाहिए, आपके पास गन्स नहीं होने चाहिए. तो इस सूरत में आप आराम से फ्रीडम के साथ असेंबल हो सकते हैं हमारे इंडिया में. However, as above, reasonable restriction can be imposed. तो कुछ restriction हमेशा लग सकते हैं in the interest of sovereignty and integrity of the country and public orders. तो जैसे अभी कोरोना की मैं बात करूँ, कोविड के टाइम्स में सब जगह सेक्शन 144 लागू हो गया था. सेक्शन 144 लागू हुआ था तो इसमें क्या था कि किसी भी एक जगह पे चार से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं हो सकते. तो यही फ्रीडम ऑफ असेंबली वहाँ पे हिंडर्ड हो रही है लोगों की, आप असेंबल नहीं हो सकते फ्रीली. पर अगर ये बात आ रही है किसी पब्लिक ऑर्डर के लिए, अगर ये हमारी कंट्री के लिए भला है अगर इस चीज़ में, तो हम फ्रीडम ऑफ असेंबल जो ही हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उसको हम इम्पोज कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आया कि अभी जो कोविड के सिचुएशन में आप असेंबल नहीं हो सकते, तो अगर आप असेंबल नहीं हो सकते तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है. तो बट ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए भले के लिए है, तो आपका ये जो फंडामेंटल राइट है वो क्या हो रहा है, वायोलेट हो रहा है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए, हमारी देश की भलाई के लिए है. अगर ये हमारी देश की भलाई के लिए है तो हम इम्पोज कर सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं, उसे अबॉलिश कर सकते हैं. फ्रीडम टू मूव फ्रीली, ये नेक्स्ट फ्रीडम कौन सी है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, कि आप कहीं भी आज़ादी से आ जा सकते हैं. अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो जो इंडिया का रहने वाला है, जो इंडिया का सिटीजन है, वो पूरे के पूरे इंडिया में आराम से घूम सकता है. जितनी हमारी टेरिटरी है इंडिया की, उस पूरी टेरिटरी में आराम से मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है. बट दिस राइट कैन ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी. अगर हम इस फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगर बात आ गई हमारे देश की सिक्योरिटी पे, पब्लिक ऑर्डर पे, या फिर हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए, द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल, और जो इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब है, तो ट्राइब्स की अगर मैं बात करूँ तो ट्राइब्स कैसे होते हैं, बहुत भोले लोग होते हैं, बहुत सीधे लोग होते हैं. तो ट्राइब्स का क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जंगलों के आसपास या कोई ऐसे एरियाज में रहते हैं जो कि बहुत नेचर के पास में, बहुत नेचर लविंग लोग होते हैं, मुझे बड़े पसंद आते हैं. तो जो ट्राइब्स होते हैं उनके कुछ एरियाज पर्टिकुलर फिक्स रहते हैं. तो वो जैसे कि मैंने बोला कि वो नेचर से बहुत जुड़े हुए होते हैं, वो नेचर से बहुत लगाव होता है उनको. तो वो वर्शिप भी करते हैं, तो लैंड की वर्शिप करते हैं, प्लांट्स की वर्शिप करते हैं, ट्रीज़ की वर्शिप करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने नेचर से.
तो अगर ये शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट का भी बात है तो आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ट्राइब के लिए कि आप वहाँ पे फ्रीली मूव नहीं कर सकते, और ये हमारे देश की भलाई के लिए और उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भलाई के लिए है, तो आपका ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। कब किन किन सूरतों में रिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि अगर हमारे देश की सिक्योरिटी की बात हो रही है, पब्लिक ऑर्डर की बात हो रही है, या फिर हमें किसी शेड्यूल्ड टाइप के इंटरेस्ट के एरिया को प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पहाड़ है, यहाँ पर बहुत नेचुरल एरिया है, बहुत नेचुरल एरिया है, और यहाँ पर ट्राइब ए रहती है, ठीक है। और जो ट्राइब ए है वो बहुत भोली सी ट्राइब है, बहुत अच्छी ट्राइब है, बट उनको बाहर के लोगों उस पर थोड़ा भरोसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये सिटी है, ठीक है, ये सिटी सिटी के लोग हैं और ये सिटी से दूर है, तो सिटी के जो लोग हैं उन्हें वो ट्राइब उन्हें ट्राइब ए कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो आपके पास फंडामेंटल राइट ये है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी एरिया में, बट अगर वो ये जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड है इस शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, इस ट्राइब ए के लिए, तो आप इस एरिया में, इनके एरिया में फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए अगर हमें शेड्यूल ट्राइब के कुछ इंटरेस्ट के एरियाज को प्रोटेक्ट करना है तो हम फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ मूव फ्रीली वाले फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। तो आप इस देश के किसी भी जगह पे जाके रह सकते हैं, आप कहीं भी घर बना सकते हैं, आप किसी भी कोने पे घर ले सकते हैं, आप रह सकते हैं, बट अगेन ये हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, अगर हमें प्रोटेक्ट करना है शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट के एरिया को, तो तब हम जो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ये हमारा एक तरीके का फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में आप क्या करेंगे कि पहले क्या होता था, जब कास्ट सिस्टम चलती थी तब होता था कि जो पुजारी का बेटा पुजारी बनेगा, उसका बेटा पुजारी बनेगा, पूरा खानदान पुजारी बनेगा। तो कोई अगर क्षत्रिय है तो उनका बेटा जंग लड़ेगा, उनका बच्चा जंग लड़ेगा, पूरे खानदान में सिर्फ एक ही काम होता था। तो ऐसे ना पहले इंटरेस्ट के बेसिस पे लोग करते थे, बट उसको ट्रेडिशन बना लिया हमने। तो जब ये ट्रेडिशन बन गया ना, तब चीज़ें बिगड़ गई, तब चीज़ें बुरी हो गई, तब हमें इसे हटाना पड़ा, क्योंकि हमें इक्वालिटी लानी है हमारे देश के लोगों में कि सारे के सारे इक्वल हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मिला कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, आप जो चाहे वो बन सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, ये आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। आप कोई भी प्रोफेशन पाथ चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल